1, 2, 3. मैं कहाँ आके हमारी गाड़ी रुकी है, let me show you. बहुत ही औसम है. मिंटू खो गया, मैं बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा. मिंटू भाई 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 करने के लिए भाई, ऐसा ना फोटो के चक्कर में तू माइंस में आ जाए, तू भी यहाँ हॉन्टेड प्लेस में भूत बन के घूमता फिरे. कहाँ पे गया, कहाँ मिंटू, क्या थोड़ी देर में हमारा मिंटू को भूत चल रहा. तो अभी लगभग सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाला है. दफा हो चल. कुछ तो फायदा होना चाहिए ना लोकैलिटी का. घर जा रहे घर पीरी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल जिसका नाम है सिंगल टिकट. एक ही टिकट है, दुनिया घूम लो. तो अभी मैं हूँ मसूरी में और जो मौसम हो रहा है बहुत ही औसम हो रहा है. पहले आपको मौसम का व्यू दिखाते हैं. ओ हो 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 भाई, क्या व्यू है, क्या मौसम है. तो अभी हमारा प्लान है ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट जाने का, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ. और अब मैंने सुना कि वहाँ पे रेनोवेशन भी हुई है, काफ़ी चेंज हो गया है. मुझे तो पहला वाला भी नहीं पता, मान लेते क्या ही फ़र्क पड़ता, मान लेते एक जैसा ही है. मैं हूँ अपनी न्यूली फॉर्म गैंग के साथ. पीछे जा रहा है नीरज, यह है सुष्मिता और बगल में अपने शेमल भाई. और मिंटू को इग्नोर करना, ये अपने शेमल भाई और बगल में मिंटू, इग्नोर कर सकते हो. बाकी मौसम तो काफ़ी सही है, सही, बहुत सही फील आ रहा है. नीरज हेलो. हेलो. बारिश आई थिंक नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए मौसम. जाते हो जाए तो सब सही है. तो गए जोड़े फिर? हम तीनों नहीं गए हैं, ये दोनों गए हैं भाई. रेनोवेट होने के बाद गए हो क्या? उसके बाद नहीं गए ना. तो अभी लगभग सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाला है. तो सही है, बढ़िया है, फील आएगा. बने रहिए आगे, आपको भी पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा फील करवाएंगे. तो हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर सेमल भाई अपने स्किल्स दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में. आउटपुट देखने के लिए फॉलो कर लीजिए singleticket.in इंस्टा पे. यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब सिंगल टिकट. वो तो ठीक है, मैं पोज देना तो आता नहीं है. मैं स्किल्ड तो मानूंगा तो मैं जब ऐसे बंदे खींच रहा हूँ जिसे पोज देना नहीं आता, वो अच्छा आ जाए. बंदा वाला तेरे थोड़ी तेरे गलती से आ भी गई ना, कहीं पीछे दिख भी गई, वो फोटो में क्रॉप कर लेंगे फिर हम फोटो डिलीट कर देंगे. एक्चुअली क्या ना, लॉन्ग वीकेंड है तो उस चक्कर में काफी ट्रैफिक है, बिजी है अभी मसूरी का रूट. चाय, कॉफी, ब्रेड, ऑमलेट, मैगी, क्या खाना है. तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है नहीं खाने के, तो देखते हैं कि आगे मिलते हैं नहीं मिलता है. इस रूट में ना शॉप्स तो हैं बट कभी खुली रहती कभी नहीं रहती खुली, तो ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे नहीं यहाँ पे खाने के लिए. तो अभी हम ऊपर में एक फूड वैन दिखी है, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को. सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैंने और मिंटू ने नहीं खाया, बाकी ये लोग तो ठूस के आ रखे हैं. ये देखते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी है फूड की, लेट्स सी. चलो शॉर्टकट लेते हैं. क्या क्या हो गया खाने में? भैया 2 मैक्रोनी, 2 मैगी, 2 ब्रेड ऑमलेट, चाय तो सब पियेंगे और 5 चाय. पहुँचे हम बाद में, पोज मार के पहले बैठ गया भाई. अबे DSLR लेके आना. नो फोटो प्लीज, नो फोटोज, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ. गंदी शकल, कूदेगी क्या वहाँ से? दफा हो चल. मैं ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको, इसके सर के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ. वेटर साफ कर. शकल देखी थी, शकल देखा. 5,000 लेके क्या आया तू, ये बता नाम बता इनका. नाम ही नहीं पता मुझे. नहीं, ये सनफ्लावर है. ये जब सूख जाता है ना हाथ पे प्रिंट होता है. कुछ और समझ के कुछ और उठा लाया भाई. हरे हरे पत्ते वो नहीं होता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. नीरज हाँ, फील के लिए तो कह रहा हूँ मैं, इनसे फील नहीं आ पाएगा. मैगी आ गई है, मैक्रोनी और ब्रेड ऑमलेट आना बाकी है. इस टाइम हो रहा है 3:36 और हमारा लंच ब्रेकफास्ट मतलब बेसिकली ब्रंच हो चुका है. और अब हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ. मौसम इतना सही हो रहा है ना, सामने पूरा कोहरा कोहरा हो चुका है. मुझे यह लग रहा है जब भी मैं कैमरा खोलूँ ना तो सबसे पहले मैं 1 मिनट तक मौसम की तारीफ करता हूँ. देखो सामने पहले उतना वाइट नहीं था, पूरा कोहरा लग चुका है. इससे होता क्या, मज़ा तो आता, खैर फील तो पूरा आ रहा है लेकिन व्यू ब्लॉक हो जा रहा है. बट कोई नहीं, फील आ रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है. भर गया तेरा पेट ये बुके? मुँह पे आ रहा है ना कोहरा, बहुत सही सा फील आ रहा है इसमें. कंडक्टर वेट कर रहा है हमारा, सर आ जाओ की जल्दी. गुस्सा हो गई पीछे लड़की, झगड़ा हो रहा. कुछ सुसी आग में घी डाल गया. ये तो मेरा फेवरेट खाना है. आप बता नहीं पर ऊपर ही मैगी फेंक गई थी भाई ने, गौर किया. ओह शिट, रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम. भाई ने गौर किया, हमें फेंकी क्यों, हमें दे देते. किसी मूवी में था ना, फेंकी क्यों, हमें दे देते.
आप पहुंचे गाइस हम माइंस में, ये सामने देख रहे हो आप, ये मसूरी का हॉन्टेड प्लेस है माइंस। हमने यहाँ कहीं कैंपिंग करी थी ना भाई, इसके उस एंड पे कैंपिंग करी थी हम, विक्रम भाई, कुंदन भाई, अमित, गौरव, मिंटू और मैं, कितने सारे थे यार, ज़्यादा हो गए क्या अभी तो? पूरा आप बीच वाला फील आ रहा है, पीछे से धुआं चल रहा है, देख। एक शो ना बना दे यहाँ पे, एक घंटे का। सुष्मिता को भूत ना दिखा दे, ये चुड़ैल है, लिफ्ट मांग के आई हमारे साथ। सफेद कुर्ता बना के भगाते हैं। ये हमारे से लिफ्ट मांग के आई ये चुड़ैल। हमारा ड्राइवर कैपेबल नहीं है, ये सारी बात इसने गाड़ी पे बोल दी है कि वो थार है ये स्विफ्ट है की, तो नहीं हो पाएगा, सॉरी साहब नहीं हो पाएगा। पर आने का पता नहीं फिर, पाँच जाएंगे वहाँ, छः आगे वापिस। तो जाम देख रहे हो आगे तक लगा हुआ है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक तो लगा हुआ है, और पीछे से आते हुए तो देखो पूरा वहाँ तक। अभी फिलहाल यहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है और पूरा यहाँ पे लग रहा है जाम, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ऐसे लोग होते हैं आगे जाके जाम लगाते हैं। तो अभी गाड़ी गई है भाई, पास ऑन हो गए, उसने भाई ने बोला है कि आगे पूरा गंदा जाम है, और एक भाई पहले ही बोल के गया था कि आगे गंदा जाम है, तो हम सोच रहे वापस चलते हैं। तो अभी लगभग सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाला है, सरप्राइजिंग होने वाला है। फिर माइन की तरफ चलते हैं, माइन का ब्लॉग बनाते हैं, डोंट नो आगे कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 4:15 हो चुकी है, और आगे अगर हम जाते हैं फिर इस जाम में फंस के 2-3 घंटे में लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, फिर ऊपर ट्रैक भी है। अगली बार अगर आना, कोई नहीं बेटा, अगली बार। तो आप पहुँचे हैं भूले भटके लोग वापस अपनी पुरानी मंजिल में। इसका मुँह देख कैसा, और का इस रास्ते से होते हुए जाएंगे हम। गाइस माइंस तो आपके सामने प्रस्तुत है गाइस, दी हॉन्टेड माइंस। सुशी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे रात को 11:30-12 के आसपास छोड़ दूँ अकेले, यहाँ तो छोड़ दूँ, वहाँ से नीचे नहीं आएगी। ऊपर देखते हैं क्या है। ओ भूत, लग गया इसमें, लग गया। मोहिता लव क्या ये अभी मॉडर्न भूत है भाई, देख ले तेरे पिछले जन्म का कुछ हो यहाँ पे, दिल बनाया था उसके अंदर 10-15 नाम लिखे थे। हो सकता है ना किसी 10-15 गर्लफ्रेंड एक साथ हो। हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी नीचे क्यों बैठ गया कहते बेचारा मारा सा लग रहा है, किसी ने मार के बैठाया, चुप बैठा बैठा यहाँ पे। कौन सा बेवफा लाश बना दे उसके मुंह से स्माइल लाश बना ना लाश। हाँ ये वाली लाश देखो, ऊपर नहीं चढ़ पा रही, मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, दरवाजा साइड अच्छा था, तो हर जगह खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत है ऊपर चढ़ने में। 1-2-3 मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ एक्सरसाइज करो, मोटापा हो गया तो फिर ऐसे हो जाता है फिर। मैं लड़की थोड़ी हूँ, ऐसे करूंगा हाथ, ऐसे कर लूँ क्या? अबे तू है क्या फोटोग्राफर? भगवान कैसी फोटो आएगी, भगवान तुम्हारे पोजेस खत्म नहीं हो रहे, वहाँ साक्षी सुमित के भाग गए। देखो अगर कोई यहाँ से आ जा तो नीचे से ले जाए तो भाई, ऐसा ना फोटो के चक्कर में तू माइंस में आ जाए, तू भी यहाँ हॉन्टेड प्लेस में भूत बन के घूमता फिरे। भाई तू तो रहने दे, हो तू अपना वेट नहीं संभाल पाएगी, मैडम तुम इधर खड़ी हुई होगी। भाई जा कर रहे हो? ओ भाई ओम 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 सुशी ओम ओम ये गाइस 5 BHK का फ्लैट है आपको बहुत ही सस्ते दामों में, मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला। आपके पास अच्छा अटैच बाथरूम? हाँ जी बाथरूम तुम कोई सा भी बना सकते हो। सर किचन में मुंह दिया तुमने, तभी मैं कोई स्लैब की वो है बाथरूम को, बाथरूम ही है, बाथरूम है गाइस, बाथरूम भी है ऊपर भी और भी चलते हैं, मेहमान बाथरूम में घुसे रहेंगे। ये क्या भैया, लॉबी एरिया कैटवॉक करने के लिए, ये रैंप है? ओहो ये मॉडल वाला भूत के लिए बनाया है। छत में भैया सीढ़ी टूट गई भाई, सीढ़ी टूट गई, ऐसे कूदना पड़ेगा भैया आपको। भैया ये भी इसी प्रॉपर्टी में है क्या? चल रेंटेड पर्पस के लिए। सुशी इधर, यहाँ किसी को मार काट के जलाया गया है भाई, यहाँ तो पहले से रिप लिखाओ भाई डर के भागी। मिंटू खो गया, मैं बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मिंटू
मिंटू मेरा भाई, मिंटू भैया कहाँ गए हम? कहाँ पे गया कहाँ मिंटू? क्या थोड़ी देर में हमारे साथ मिंटू का भूत चल रहा है यहाँ पे। 1990 में अराउंड ना 50,000 लेबर्स थे यहाँ पे जो मरे थे माइंस में, उनकी बेड प्रैक्टिस के हिसाब से जिस तरीके से माइनिंग करते थे तो उनकी बेड प्रैक्टिस के हिसाब से वो वहाँ मरे थे। उनको वोमिट वगैरह कफ और उसमें ब्लड वगैरह होता था। वो सब तो ठीक है, मिंटू कहाँ गया भाई? ये मिंटू है, मिंटू का भूत है भाई। इससे सीक्रेट क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तेरी पांचवी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? उसकी पहली नहीं थी। बता बता अब बता, पांच थी तेरी, बता बता पांचवी गर्लफ्रेंड नाम बता। नहीं है ना भाई, ये भूत है, भाई ये भूत है, इसको नहीं पता। सही लगा, ये पार्टी वाला ना भाई हमारा। अर्जुन और आकृति कौन है भाई? अर्जुन मेरा रूममेट है। अर्जुन आकृति मेरे दोस्त है। क्या करने आया तू यहाँ पे? आकृति तो अर्जुन के साथ क्या कर रही थी? अच्छा सुमित भी आया यहाँ पे। इस दीवार को प्यार के नाम, सुमित तो उधर पे भी आया था। सुमित गलत बात है भाई। कौन सा? ये अलग अलग लड़कियों के साथ आ रहा है, अलग अलग नाम लिखवा के चले जाता है भाई। ये सुमित प्ले बॉय है। कुछ चेक कर रहे हैं भैया, पेपर चेक कर रहे हैं। मुझे लगा गवर्नमेंट कंसर्निंग होगी कि यहाँ 5 बज गए भाई, शाम हो चुकी, घर जाओ। ये भूतिया इलाका है, उनको उनसे मतलब नहीं है, वो बस ढूंढने आए थे। शाहरुख खान के लड़के का दोस्त तो नहीं की कोई यहाँ पे? ये है गाइस, ये और इसकी मेन साथी ये मेन माइंस है। ऊपर से दिख भी नहीं, पता नहीं है भी या नहीं है। भैया बता रहे थे कि जो मेन माइंस है वो नीचे है, कि ऊपर से कोहरा भी हो चुका है और रास्ता भी हमें पता नहीं है किसी को। तो हमने रिस्क ना लेते हुए और समय की पाबंदी को देखते हुए हमने सोचा कि वापस चलते हैं भाई। जन्नत देखनी है, कहाँ आके हमारी गाड़ी रुकी है, लेट मी शो यू। बहुत ही औसम है यार ये जो व्यू मिला है ना, आज की जो पूरी ट्रिप है ना वो समअप कर दूँ ना, इससे आगे कुछ नहीं है। औसम व्यू है, औसम भाई। तूने तो मूड खराब कर दिया। मैं क्या आथू, कितना भी बंदा कोई टेंस हो ना यहाँ पे आके तो औसम सब सब भाई। ये लड़की कितनी लकी है ना, हाँ हमारे साथ आई है ना, कुछ देख लिया। सही बात है, कितनी लकी है ना तू। गाइस कहीं भी जाओ आपको भिकमंगे मिल ही जाएंगे। बैठ बैठ यहाँ पे बैठ। कुत्ते को नहीं बुलाते, कुत्ते को आजा ला यहाँ बैठ। ये मेरे को देख के कर रही थी, वाटरफॉल को देख के कर रही थी। तो गाइस वी हैव डिसाइडेड कि हम नीचे जाएंगे, हमारे साथ के दो लोग सामने रुक चुके हैं। हम तीन हिम्मत पर सैंडल में आई है तू, हम तीनों ने हिम्मत करी है, इसने तो कुछ ज़्यादा हिम्मत कर ली है। देखो सैंडल में आई है, मैं नहीं कर रहा तेरे को सपोर्ट, तू मोदी जी है तेरे को सपोर्ट करें हम। मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा जब ये गिरेगी। तो है ना हर जगह बिच्छू घास है, देखो यहाँ पे भी है, ये भी है पीछे। अब तो अपना अपना देख ले, मैं जा रहा। पानी काफ़ी ठंडा है, नहाने मजा आएगा यहाँ पे। मुझे बस एक साथ ही चाहिए विकास जैसा। अफसोस विकास भाई मेरे साथ नहीं है, अगर वो होता तो हम डैम से और क्यों मेरे साथ नहाता यहाँ पे। तो आज ना मुझे जन्नत पे जन्नत दिखाई दे रही है, मैं तो आपको दूसरी जन्नत दिखाता हूँ। लेट मी शो यू अगेन। देखो वो सामने मंदिर दिख रहा है, कितनी प्यारी सी लोकेशन पे, बिल्कुल ग्राउंड है वो, पूरा ग्रीनरी है उसके आसपास। उसके थोड़ा सा ऊपर जाते हुए क्या मौसम हो रखा वहाँ पे, ऐसा लग रहा है स्पेसशिप उतर रही हूँ सारी। सामने ना देहरादून दिख रहा है, पूरा पूरा का पूरा देहरादून समा रखा है और एक फ्रेम में सारा आ जा रहा है। एक कैंप का 250 लेंगे भाई जी, और कैंप अपना लाओ। भैया बेसिकली क्या कैंप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, भैया प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। कैंप पे आते कैंप लगा सकते हो 250 रुपीज़ पर कैंप के हिसाब से, और आपको कुछ बनवाना है तो आप लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो भैया बनाने के कुकिंग चार्ज लेंगे उसका, भैया 7-8 बजे तक ही रहते हैं, ज़्यादा लेट आपको लेट नाइट मिलेंगे नहीं। और सामने देखो धूप आ गई है, वहाँ देहरादून में अलग ही मौसम चल रहा है और यहाँ पे अलग ही मौसम चल रहा है। ये 5-7 सेकंड के अंदर सारी बारिश कितनी तेज़ आ गई है भाई। इंटीमेशन तो देना चाहिए था पहले कि आने वाली है। सो गाइस वी आर हेयर इन आईटी पार्क और टाइम हो रहा है 3:45 मॉर्निंग और हमें निकलना पड़ रहा है घर के लिए, बिकॉज वी आर लेस एक्सपीरियंस ड्राइवर। और अभी ट्रैफिक बहुत कम होगा क्योंकि सीएमओएल भाई जो हमारे साथ आए थे वो निकल चुके थे 6-7 बजे शाम को, तो हम यहीं रुक गए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मिंटू भाई ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। बाकी चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर किसी रीजन से आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। सिंगल टिकट, मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।
Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low.